रेगुलेशन स्लॉट या ऑयल के साथ सप्लाई किए जाते हैं। फ्रंट एंड कवर को कभी कभी कम्यूटेटर एंड प्लेट के रूप में भी जाना जाता है। इनर एंड कवर आमतौर पर केवल बियरिंग को सपोर्ट करता है। ये 3D व्यू पे आप देख रहे हैं, जनरेटर का पार्ट दिखाया गया, ये कंडक्टर, ये साफ बैरिंग, फील्ड वाइंडिंग, इस पर फील्ड पोल यहाँ जो लगा हुआ है, या बड़ी बाहर ये फीड बेस। इसमें देखिए फिगर में क्रॉस सेक्शन, कभी कभी पूछा जाता है कि आप डीसी जनरेटर का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि डीसी जनरेटर बना दिया, नहीं, आप ये बनाएंगे क्रॉस सेक्शनल, इसी को बोला जाता है। इसको फिगर में इसमें दिखाया हुआ है फील्ड क्वाइल, जो आपको पोल बोलते हैं, बोला हुआ है आर्मेचर, ये आर्मेचर है, ये दिखा रहा है, इसी पे इंडिकेशन है। ये क्या है, कथ और मैग्नेटिक फ्लक्स, ये साउथ पोल, पोल शू, ये जो आप देखे इसके पहले फिगर में, बेस प्लेट, जमीन का बेस, कम्यूटेटर जिसे आप डीसी वोल्टेज ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, एयर गैप, ये पोल शो और आर्मेचर के बीच का गैप, एयर गैप, शाफ्ट, इससे जो बाहर निकला हुआ रहता, आर्मेचर स्लॉट या बाहर का बॉडी, पोल, ये भी पोल, आई बोल्ट जो मोटर को उठाने का काम करता है, वो हो गया आई बोल्ट। मैग्नेटिक फ्रेम ऑफ यार्क, यार्क में मैग्नेटिक, लेकिन पोल क्रॉस एंड पोल शू जो बताया गया पहले, अब पोल क्वाइल, एक सेंट क्वाइल होता है, एक सीरीज क्वाइल होता है, वो आगे बता रहे हैं हम। अब है आर्मेचर, आर्मेचर में क्या क्या होते हैं, आर्मेचर कोर होते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, साफ कम्यूटेटर, ब्रश और बैरिंग, एक आर्मेचर में इतना चीज लगा हुआ रहता है, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, साफ कम्यूटेटर और ब्रश, ब्रश एंड बैरिंग। उसके बाद है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर में क्या है, मेन इंसुलेटर, सेगमेंट और कम्यूटेटर जो शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ रहता है। द कम्यूटेटर कंसिस्ट द कॉपर सेगमेंट, ये जितने भी सेगमेंट यू आकार का जो बने हुए हैं वो सभी कॉपर के बने होते हैं, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय माइका पेपर से, हर एक स्लॉट को माइका पेपर से उसको इंसुलेटेड कर दिया जाता है। द वाइड एट द टॉप ऑफ द सेगमेंट में इन द ऑफ द 6 mm एंड द सेगमेंट मेनी माउंटेड बट द इंसुलेटेड फ्रॉम द स्लीव विच इज द एसरेक एंड शाफ्ट एंड आर द क्लैंप एंड रिंग विच कैन बी बोल्टेड स्क्रू। पहले आपने जितना भी फिगर देखा उसका अलग अलग पार्ट करके इसमें बताया गया है। आपको ब्रश के बारे में, ब्रश क्या है, ब्रश के बारे में क्या बताया गया, कार्बन ब्रश होता है, इसके ऊपर देखिए फिक्सेड कॉपर होता है पेंटिंग, स्प्रिंग, स्प्रिंग काम करता है, ब्रश बॉक्स, ब्रश कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश को प्रेस करने के लिए यहाँ हम लोग स्प्रिंग का उपयोग करते हैं जिससे वो इसमें प्रेशर रहे, अगर प्रेशर कम रहेगा तो वो पावर हमें आउटपुट नहीं देंगे, प्रेशर अगर लूज रहेगा
तो वहां पे स्पार्किंग होंगे, कहां पर? कम्यूटेटर पर, कार्बन प्लस और कम्यूटेटर के बीच में। अब आइए बैरिंग, बैरिंग का क्या था? बैरिंग का आपको पता गया था, ब्रश बैरिंग होता है, बॉल बैरिंग होता है, रोलर बैरिंग होता है, जनरल बैरिंग होता है। ये क्या काम होता है? फंक्शन ऑफ द बैरिंग इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द रोटेटिंग एंड द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। मशीन को जो फ्रिक्शन करता है, जो रोटेशन का काम करता है, उसके लिए सहायता करता है। अब क्या इंड कवर? अगर मशीन का बॉडी का इंड कवर नहीं होगा तो आप दोनों बैरिंग को या शाफ्ट को सेंटर कैसे करेंगे? तो वो दिया हुआ है, द इंड कवर आर यूजली मेड टू कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील। ये इंड कवर कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। देयर आर टू इंड कवर, अगर एक इंड कवर से नहीं होता है क्योंकि दोनों तरफ रहेगा, शाफ्ट का दोनों तरफ, और फ्रंट इंड कवर, और उसको बोलता है रियर इंड कवर। फ्रंट इंड कवर, द फ्रंट इंड कवर ऑल्सो समथिंग समटाइम इज नो एज द कम्यूटेटर इंड प्लेट। कम्यूटेटर का प्लेट तब रहता है। अब है शाफ्ट एंड पुल्ली। तो शाफ्ट एंड पुल्ली का आपने फिगर नहीं देखा था, शाफ्ट के ऊपर पुल्ली लगा हुआ रहता है, उसका टर्मिनल बॉक्स होते हैं, आई बोल्ट होते हैं। तो इसका शाफ्ट एंड पुल्ली, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। शाफ्ट एंड पुल्ली, शाफ्ट देख ली, शाफ्ट एंड पुल्ली देख ली। अब इसको हम लोग देखते हैं, शाफ्ट एंड पुल्ली को। ये हो गया पुल्ली, हम पुल्ली का दृश्य देख रहे हैं। पुल्ली कास्ट आयरन से बना है और कास्ट आयरन से ब्रैकेट द्वारा फिक्स किया जाता है। पुल्ली मुख्य रूप से बेल्ट ड्राइव लोड के लिए उपयोग की जाती है। टर्मिनल बॉक्स क्या काम करता है? टर्मिनल बॉक्स, हम डीसी मशीन के टर्मिनल बॉक्स देख रहे हैं। यह एक इंसुलेटेड बॉक्स है जिसमें पिपल के नट और बोल्ट होते हैं, जिससे बाहरी सर्किट से कनेक्शन के लिए ब्रश और फिर कोइल से तार निकलते हैं। अब आई बोल्ट, द आई बोल्ट इज प्रोवाइड विद द बॉडी जनरली ऑन द टॉप ऑफ लिफ्टिंग द मशीन। किसी भी मशीन या मोटर को उठाने के लिए या लिफ्ट करने के लिए, जिसको उठाने के लिए बोला जाता है, उसके लिए हम एक आई बोल्ट का उपयोग करते हैं। आई बोल्ट का क्या काम है, आप इसका भी वीडियो देखिए। आई बोल्ट, हम जनरेटर की आई बोल्ट देखने जा रहे हैं। मशीन को उठाने के लिए आमतौर पर शीर्ष पर पत्तों के साथ आई बोल्ट प्रदान किया जाता है। आज हम लोग डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल और डीसी जनरेटर, जनरेटर का क्या फंक्शन है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करता है, उसका क्या पार्ट्स है, पार्ट्स का क्या चार्ज है, डीसी जनरेटर कितना पार्ट्स है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स का क्या वर्क है, क्या काम करता है, कैसा कम्यूटेटर होता है, कैसा यार्ड होता है, आई बोल्ट होता है, पैनल बॉक्स होता है, बैरिंग का क्या काम है, बैरिंग के तरह, ये सभी आज आप लोग देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में।